बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की मां का निधन हो गया है। एक्ट्रेस की मां ने आज सुबह 8:40 पर आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। माधुरी दीक्षित की मां श्रीमती स्नेहलता दीक्षित की उम्र 91 साल बताई जा रही है। आज सुबह उन्होंने अपने घर में अंतिम सांस ली। श्रीमती स्नेहलता का अंतिम संस्कार दोपहर 3:40 के करीब वर्ली में होगा। हालांकि एक्ट्रेस की मां के निधन का कारण भी अभी तक सामने नहीं आया है। माधुरी दीक्षित अपनी मां के बेहद करीब थी। पिछले साल एक्ट्रेस ने जून में अपनी मां का 90वां जन्मदिन मनाया था। एक्ट्रेस ने मां के बर्थडे पर उनकी कई तस्वीरें शेयर की थी। तस्वीरों के साथ माधुरी ने मां के लिए दिल छूने वाला कैप्शन लिखा था। एक्ट्रेस ने लिखा था, हैप्पी बर्थडे आई, कहते हैं कि मां बेटी की बेस्ट फ्रेंड होती है, ये बिल्कुल सही बात है। आपने जो भी मेरे लिए किया है, आपने मुझे जो भी सिखाया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। मां के निधन से माधुरी एकदम टूट गई है। माधुरी की मां का निधन आज यानी 12 मार्च 2023 की सुबह 8:40 पर हुआ था। माधुरी दीक्षित के करियर के शुरुआती दिनों में उनकी मां ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। फिल्म की शूटिंग हो या फिर कोई इवेंट हो, उनकी मां हमेशा माधुरी के साथ रहती थी। एक्ट्रेस कई बार कह चुकी है कि स्टार होने के बावजूद एक आम जिंदगी जीने में उनकी मां का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी मां ने उन्हें हमेशा जमीन से जुड़े रखने को सिखाया है। और ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।